प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच जैसे इन दिनों में हम सीख रहे हैं, पास्टर से वचन सुन रहे हैं कि डर हमें बीमार रखता है, तकलीफ में रखता है, परंतु जिस समय हम वचन समझते हैं, वचन सुनते हैं और परमेश्वर पर अपना विश्वास, जैसे अभी पास्टर ने कहा, रखते हैं, तो वो डर, वो पीड़ा हमारे अंदर से निकल जाता है। यह बहन की साक्षी है, ये कहते कि गए इतवार को यहाँ पर आए थे, पर इतवार के पहले, तीन दिन पहले उन्होंने माचिस की जो काड़ी होती है वो मुंह में पकड़ी थी और उनको अचानक हिचकी आ गई, और वो हिचकी आने के कारण वो जो माचिस की तीली थी वो उनके गले में चली गई, और गले में जाने के बाद में वो लगातार उन्हें चुभ रही थी, और यहाँ पे एहसास भी हो रहा था, हाथ लगाने से उन्हें दिखता था कि यहाँ पर माचिस की तीली है, परंतु वो डॉक्टर के पास नहीं गए। उन्होंने प्रार्थना किया, विश्वास किया, और इतवार के दिन वो कलीसिया के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने वचन पूरा सुना, और वचन समाप्त होने के बाद में सेल मीटिंग में जब वो बैठे थे, उन्होंने वचन सुना और भाई केनित ने उनके लिए प्रार्थना किया, और वो कहते कि प्रार्थना के बाद जैसे ही वो घर गए, उन्हें लगा कि वो तीली वहाँ पर है ही नहीं, बिल्कुल गायब हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज वो कहते हैं ना तो उन्हें चुभन है, ना कोई पीड़ा है, वो खाना भी अच्छे से खा रहे हैं, प्रभु ने उन्हें प्रार्थना के द्वारा आरोग्य दिया। इसके लिए बहन सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।